वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएंगे अधर्मी। आज हमारे चैनल डार्क मिस्ट्री में एक ऐसी कहानी लेके आए हम जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि कलयुग स्टार्ट और एंड के बारे में हम कुछ अंश बताते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं, अधर्म फैलना स्टार्ट हो गया है। अब इंसान एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है तो ग्रंथों पे कैसे करेगा जब खुद पे ही विश्वास नहीं। कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही आएगा बुढ़ापा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों की यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी है। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। देवताओं के इन दिव्य वर्षों के आधार पर 4 युगों की मानव सौर व्यवस्था में अवधि इस तरह है। सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष, 17,28,000 सौर वर्ष। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष, 12,96,000 सौर वर्ष। द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष और 8,64,000 सौर वर्ष। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष और 4,32,000 सौर वर्ष। द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष और 8,64,000 सौर वर्ष। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष और 4,32,000 सौर वर्ष। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रारित होती है क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम 60 से 70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही सफेद बाल होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। घर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुनना पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरियों के समान हो जाएगी। गंगा भी लौट जाएगी वैकुंठ धाम। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। अन्न और फल नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देंगी। समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। लोग देखने सुनने और पढ़ने लगेंगे अनैतिक चीजें। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य की लोगों को पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएंगे अधर्मी। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इस काल में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। यह पुराण कहता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य विश्व विद्यमान है।
प्रत्येक विश्व के अपने अपने विष्णु, ब्रह्मा और महेश है। इन सभी विश्व से ऊपर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। इस पुराण के चार खंड है, ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड। इन चारों में से 218 अध्यक्ष है। जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युग में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग है। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने की कई सबक है। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार और व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों को बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युग में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग है। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने की कई सबक है। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार और व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों को बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने जाना धर्म और अधर्म के बारे में। ऐसे ही कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।